दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप का एक बेहतरीन खूबसूरत देश नॉर्वे के बारे में, जिसे प्लेस ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। यह देश की प्रकृति सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत है, जिसका चर्चा दुनिया भर में होता है। इस देश में कुछ प्लेस ऐसे भी हैं जहां पर सूर्य डूबता ही नहीं है। यह देश सन 1900 में स्वीडन तथा डेनमार्क का हुआ करता था, लेकिन 7 जून 1905 में यह स्वीडन और डेनमार्क से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। यह देश का कुल क्षेत्रफल 385,203 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश वर्ल्ड में 67 नंबर पे आता है। पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो नॉर्वे वर्ल्ड का 120वां बड़ा देश है। नॉर्वे का 48% एरिया जंगलों से घिरा हुआ है। इस देश की जनसंख्या तकरीबन 54 लाख है, जिसमें 75% क्रिश्चियन, 2.5% मुस्लिम तथा 13% किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। नॉर्वे में नॉर्वेजियन करेंसी चलती है, जो कि एक नॉर्वेजियन करेंसी इंडिया का 7.83 INR होता है। इस देश का कंट्री कोड +47 है। इस देश में सबसे ज्यादा नॉर्वेजियन और शामी है। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा सिटी है। नॉर्वे में खनिज संपदा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह देश यूरोप में ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन इसके बावजूद नॉर्वे में पेट्रोल की कीमत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का सरकार कार के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में ज्यादा जोर देती है, जिससे इस देश का पॉल्यूशन कम हो। दोस्तों, नॉर्वे में लगभग 50% कार इलेक्ट्रिफाइड है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जहाँ पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान है, वहीं नॉर्वे को जलवायु परिवर्तन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉर्वे एकदम प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है, जो बहुत ही खूबसूरत है। क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर भी नॉर्वे ही है। अमीरों में नॉर्वे के लोग वर्ल्ड में 6th नंबर पे आते हैं। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो नॉर्वे का नंबर 4th नंबर पे आता है। मींस यहाँ के लोग बहुत ही खुश एवं हैप्पीनेस रहते हैं। इस देश में एजुकेशन लेवल बहुत ही हाई है। यहाँ का प्राइवेट स्कूल कॉलेज ना के बराबर है। सारे सरकारी स्कूल कॉलेज फ्री है, जिसके कारण इस देश का लिटरेसी रेट लगभग 99% है। इस देश का कोई भी नागरिक अपने इनकम को छिपा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक वेबसाइट है, जिस पर यहाँ के हर लोगों को महीने की इनकम को पब्लिश कर दिया जाता है, जिससे हर कोई इसे देख सकता है। और सरकार का टैक्स चोरी भी नहीं हो पाती है। यहाँ के लोग मेडिकल खर्च गवर्नमेंट पे करती है, जिसके कारण से यहाँ के लोग का औसतम आयु लगभग 85 साल से भी ज्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, वर्ल्ड में कॉफी का सबसे ज्यादा सेवन नॉर्वे का है। दोस्तों, इंडिया में अगर कोई जुर्म कर दे या कत्ल कर दे तो उसको उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन नॉर्वे में कोई भी गंभीर जुर्म कर दे उसका मैक्सिमम सजा 21 ईयर होता है, क्योंकि उसे कोई भी फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नॉर्वेजियन लोगों का मानना है कि हर इंसान को एक मौका देना चाहिए, जिसके कारण से यहां पर उम्र कैद और फांसी की सजा हटा दी गई है। दोस्तों, नॉर्वे की जेल गरीबों के घर से भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस जेल में गुनहगार को बहुत हाईटेक फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि इंटरनेट, टीवी, बढ़िया फर्नीचर, साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, इस देश में आपको टीवी का भी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप अपने घर में टीवी लगाते हैं तो आपको हर साल आपको 3,800 नॉर्वेजियन डॉलर गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। दोस्तों, नॉर्वे मई से लेकर जुलाई तक सूरज रात में ही दिखाई देता है, और यहां का सूर्य पूर्ण रूप से डूबता नहीं है, और यह शाम की तरह दिखाई देता है, और यह कंटिन्यू दिन हो या रात ये दिखाई देते रहता है, जिसके कारण से यहाँ रात नहीं होती है, और इस घटना को देखने के लिए लाखों पर्यटक इसको देखने आते हैं। दोस्तों, अगर आप नेचुरल ब्यूटी के शौकीन हैं और रात में के समय नॉर्थन लाइट को मजे लेना चाहते हैं, तो आपको नॉर्वे जरूर जाना चाहिए, जहां आप खुले आसमान तले इस हसीन लम्हे को यादगार बना सकते हैं। इस देश में बड़े बड़े वाटरफॉल भी हैं, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड का सबसे लंबी टनल भी इसी देश में है, जिसकी लंबाई तकरीबन 24 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये नॉर्वे के बारे में जानकारी? साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।